बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 करेंगे। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में हम आज क्या करेंगे कि मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, हमने जो पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि मैट्रिसेस की प्लस माइनस और उसकी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, वैसे अगर आप देखें तो सिंबल आपके पास जो है वो 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैट्रिसेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम डिवीजन नहीं कर सकते इन मैट्रिसेस की। तो डिवीजन के जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, डिवीजन की जो दूसरी फॉर्म है मैट्रिसेस में वो है उसका डिटर्मिनेंट। तो हम आज इसके लेक्चर में फाइंड करेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके टोटल 4 ए मैट्रिसेस से लेकर ई मैट्रिसेस है, ए बी सी डी एंड ई, टोटल 5 बनते हैं, यानी कि इसके 5 मैट्रिसेस हैं। मैं कुछ मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट आपको बताऊंगी कि कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो डिटरमिनेंट को आप इन टू वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है डीईटी, ये डिटरमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है। ए यहाँ पे जो मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए यहाँ पे इसलिए ए लिखा गया। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ई है तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ई। और जब भी आपने किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट लेना है उसको हमेशा 2 स्ट्रेट लाइंस में इंक्लोज करना है। वैसे सिंपल अगर आप ब्रैकेट्स देखें तो ब्रैकेट्स ही ब्रैकेट्स आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, लेकिन जब आप किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस में इंक्लोज होती हैं। अब इन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैसे लिया जाता है, तो सबसे पहले जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है आपने लिखना है मॉड ऑफ ए, यानी कि मैट्रिसेस को 2 स्ट्रेट लाइंस पे क्लोज कर देना है। सिमिलरली जो आपके पास मैट्रिसेस की एलिमेंट्स हैं उनपे को आपने स्ट्रेट लाइंस में इंक्लोज करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास ये है। सेकेंड स्टेप, जब आपने डिटरमिनेंट लेना है तो कैसे लेना है, जो आपके पास डायगनल्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। अब फर्स्ट डायगनल आपके पास क्या है, 6 और 4। सेकंड डायगनल जो बना रहा है वो आपके पास क्या है, 8 और 3। तो सब जब आपने डिटरमिनेंट लेना है तो सबसे पहले आपने फर्स्ट डायगनल से स्टार्ट करना है। फर्स्ट डायगनल 6 और 4 तो क्या आ जाएगा, 6 × 4। सेकंड डायगनल आपके पास क्या है, 8 और 3 तो क्या आ जाएगा, 8 × 3। लेकिन जो डायगनल की मल्टीप्लिकेशन है जब आप उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान जो साइन आएगा वो हमेशा माइनस का आएगा। कभी भी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान माइनस प्लस का साइन नहीं आएगा। जब भी आपने किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट लेना है तो उनके जो डायगनल्स की मल्टीप्लिकेशन के तहत जो आपके पास साइन है वो हमेशा कौन सा आएगा, माइनस का। तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 4 = 24 − 8 × 3 = 24। 24 में से 24 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एक ई मैट्रिसेस है, 12, 3, 8 और 0। सिमिलरली इसको भी आपने वही सबसे फर्स्ट स्टेप स्ट्रेट लाइंस में इंक्लोज करना है, तो क्या आ जाएगा, 12, 3, 8 और 0। तो ये क्या आ जाएगा डायगनल, फर्स्ट डायगनल आपके पास क्या है, 12 × 0। सेंटर में वैल्यू क्या आ जाएगी, −3 × 8। 12 × 0 आपके पास क्या होता है, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, 0। −3 × 8 कितना होता है, 24। तो 0 में किसी भी वैल्यू को प्लस करें या माइनस करें उसका आंसर हमेशा वही आता है। तो 0 में अगर −24 करें तो आपके पास क्या आएगा, −24। नेक्स्ट आपके पास है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अब मैं आपको वो बताऊंगी। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का जॉइंट लेंगे या डिटरमिनेंट लेंगे तो वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये क्या है? कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी। क्या आप कंसीडर करेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एन ऑर्डर 2x2। तो ये आपके पास सर जॉइंट ऑफ ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डी ऑफ ए, यानी कि ए डी जे जो है वो एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ए ऑब्टेन्ड, इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, यानी कि वो मैट्रिक्स है जो कि हमें ऑब्टेन होता है। इसके आपके पास टू स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल। ऑब्टेन्ड आपके पास होता है इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंटरचेंजिंग हो जाती है, कि उनकी पोजीशंस जो है वो आपस में चेंज हो जाती हैं। ये आपके पास प्रोसेस कहाँ पे होता है? प्रिंसिपल डायगोनल में। एंड रिवर्सिंग द साइन ऑफ द अदर एलिमेंट्स, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरे एलिमेंट्स में से किसी का नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। लेट्स सपोज करें आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये क्या आपके पास 5, 4, -6 and 7। देन द एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आपने एडजॉइंट लेना तो क्या आ जाएगा? ए डी जे। ए डी जे जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे बताया गया कि ये आपके पास कैसे लिखा जाता है, इसको ए डी जे से। ए इज इक्वल टू एडजॉइंट आपके पास जो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है वो क्या है? 5, 4, -6 and 7। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनके साइन क्या हो जाएंगे, उनकी जो पोजीशंस हैं वो क्या हो जाएंगी? आपस में चेंज हो जाएंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी क्या हो जाएगी? एलिमेंट्स जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए 5 है, 5 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7, और 7 की जगह पे 5। इन्होंने अपनी पोजीशंस आपस में चेंज कर ली हैं। और सेकंड आपके पास क्या है कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? अपने साइन चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे 4 and -6 है, तो सब साइन चेंज किया जाएगा। तो 4 का साइन पॉजिटिव है, जब उसका चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? -4। सिमिलरली -6 है, साइन नेगेटिव है 6 के साथ, तो जब चेंज होगा तो +6 हो जाएगा। अब अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने जिन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट लिया है उन्हीं में से कुछ मैट्रिसेस का आपने एडजॉइंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एडजॉइंट आपने सी मैट्रिसेस का लेना है, डी का लेना है एंड ई का लेना है। यहाँ पे मैंने सी एंड ई मैट्रिसेस का एडजॉइंट लिया है। तो देखिए आपके पास सी मैट्रिस है 3, 2, 5 and 4। अब देखिए जब आप इस मैट्रिसेस का एडजॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए डी जे और मैट्रिस। अब देखिए जब आप इस मैट्रिस का डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा? जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स आपस में क्या कर लेंगे? इंटरचेंजिंग कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 3 और 4 है, 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 3। सिमिलरली जो आपके पास बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? अपने साइन चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? जब साइन चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली 2 जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, जब साइन चेंज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया? जॉइंट ऑफ सी। अब सिमिलरली आपके पास ई मैट्रिसेस है, ई मैट्रिसेस आपके पास 12, 3, 8 and 0 है। अब इस मैट्रिस का एडजॉइंट लिया तो एडजॉइंट ऑफ ई इज इक्वल टू एडजॉइंट 12, 3, 8 and 0। तो इस मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 और 0 जो है मैट्रिक्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं 12 और 0, वो आपस में क्या करेंगे? अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 12 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे 12। सिमिलरली जो आपके पास बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे 3 and 8, वो अपने क्या करेंगे? साइन चेंज कर लेंगे। 3 पॉजिटिव है, क्या आ जाएगा? -3। 8 पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? -8।
तो ये आपके पास जो आज का लेक्चर है वो है क्वेश्चन नंबर 1 में डिटरमिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना कि किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है और एडजॉइंट किसी भी मैट्रिसेस का कैसे लिया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।